आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। यूनान यूट्यूब चैनल रानी दुनिया फॉर नाइन की जानिब से आपको वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज ये जो मैं आपकी खिदमत में ये वजीफ़ा एक शेयर कर रहा हूँ, रोज़ी रिज़्क में आमदन और बरकत का, तंगदस्ती हो या कारोबारी परेशानी हो, माली परेशानी हो, कारोबार ना चलता हो या किसी भी किस्म की कोई माली परेशानी हो, आमदन ना हो या बरकत ना हो, तो रोज़ी रिज़क में बेइंतहा इजाफ़ा करने, आमदन और बरकत और हर किस्म के परेशानी और गम को दूर करने के लिए बहुत ही कमाल का ये वजीफ़ा है। इंशाल्लाह ताला इस पर अमल करें और अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने चाहा तो आपके गम परेशानी दूर हो जाएंगी और तंग दस्ती भी दूर हो जाएगी और रोज़ी रिज़क में जो है ना इजाफ़ा होगा, आमदन भी होगी, बरकत भी होगी और अल्लाह के फजल व करम से किसी का मोहताज नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। इससे पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल रानी दुनिया फोर नाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ आने वाले घंटी के आल के बटन पर ज़रूर क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली आजमूदा और मुजर्रब अमलियात और तावीज़ात से मुतल्लिक न्यू वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचा करेगी। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अमल की जानिब। तो दोस्तों, अमल को छूए हैं, बहुत ही आसान अमल है। इस वजीफे को सुबह करना है। सुबह अगर बेहतर होगा, सूरज तुलू होने से पहले आप इस अमल को कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप जो है ना सूरज तुलू होने के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं, अगर पहले कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, ये पहले आपने जो है ना अपने हाथ फैलाने, दुआ की तरह जो है ना हाथ फैला के पहले दुरूद शरीफ एक बार पढ़ना है, उसके बाद इसमें बारी ताला या बासे तो इसको 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ के दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे रोज़ी रिज़क में आमदन हो, बरकत हो और तंगदस्ती दूर हो जाए, माली परेशानी दूर हो जाए और सारे गम परेशानियाँ दूर हो जाए। ये दुआ करने के बाद फिर दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ के आपने जो है ना अपने दोनों हाथों को जो है ना अपने चेहरे पर जो है ना फेर लेना है। तो इसी तरीके से रात को भी किसी टाइम आपने जो है ना ये अमल करना है। दिन में इसको 2 बार आपने अमल करना है। इंशाल्लाह कुछ दिन मुतवातर इस वजीफे पर अमल करने से इंशाल्लाह ताला गैब से कोई सबब अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा कि आपकी माली परेशानी जो है ना वो दूर हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला रोज़ी रिज़क में आमदन भी होगी, अगर कारोबार है तो ज़ोरों पर चलने लग जाएगा, रोज़ी रिज़क में आमदन भी होगी और उसमें बरकत भी होगी और माली परेशानी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्त अहबाब को शेयर करें ताकि और भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।